अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पाइसी पनीर टिक्का मसाला, इसे आप घर पे भी बना सकते हैं बिना ओवन के या फिर बिना तंदूर के। पनीर टिक्का मसाले का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में एक कप भुना हुआ बेसन ऐड करिए। बेसन को पहले हल्का सा भून लीजिए ताकि बेसन की कच्ची स्मेल ना आए। हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 कप हंकड़ यानी गाढ़ा दही, याद रहे दही में पानी नहीं होना चाहिए, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, उसे हल्का सा क्रश करिए। टिक्का के लिए हमेशा गाढ़ा दही यूज़ करें। यह स्पाइसी पनीर टिक्का मसाला है तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 नींबू का रस। अच्छी तरह से मिक्स करिए। 1 टीस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से। टिक्का का मसाला तैयार है। हरी शिमला मिर्च और सफ़ेद प्याज को इस तरह से कट कर लीजिए। आप चाहे तो लाल शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ली हूँ, उसी मीडियम साइज पीसेस भी कट कर लीजिए। पहले हम शिमला मिर्च और प्याज को मसाले में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पनीर ऐड करिए। पनीर को अच्छी तरीके से मिक्स करें, ज़्यादा प्रेस ना करें नहीं तो पनीर टूट जाएंगे। पनीर को आधे घंटे के लिए मैरिनेट रखिए। टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं। कढ़ाई में तेल ऐड करिए, गैस को लो फ्लेम पे रखिए। मैं यहाँ पे एक सफ़ेद प्याज ले रफली चॉप कर लीजिए। प्याज को 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनिए। अब उसी में 2 रफली चॉप टमाटर ऐड करिए। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 ग्रेवी बना रही हूँ। पहली टमाटर की ग्रेवी, दूसरी पनीर ग्रेवी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 ग्रेवी को ठीक बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 काजू ऐड करिए। सभी को 1 मिनट तक अच्छी तरह से भुनिए। टमाटर की ग्रेवी तैयार है। इसे छोटे से बॉल में निकालेंगे। इसे ठंडा होने के बाद इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। पनीर अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया। अब एक स्टिक लीजिए, अगर आपके पास केवा नहीं है तो आप स्टिक भी ले सकते हैं। सबसे पहले उसी में प्याज ऐड करेंगे, फिर शिमला मिर्च, फिर पनीर का 1 पीस, फिर प्याज, फिर शिमला मिर्च, फिर पनीर का पीस। एक तैयार है, इसी तरह से सारे बना लेंगे। नॉन स्टिकी पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करिए। सारे पनीर के स्टिक्स को पैन में रखिए। गैस को लो फ्लेम पे रखिए। पनीर टिक्का को 5 मिनट के लिए फ्राई करिए। एक साइड फ्राई हो गया, इसे हल्का सा टर्न करिए। पनीर टिक्का फ्राई हो गए। अभी एक प्लेट में निकाल लीजिए। 20 सेकंड के लिए इसे ठंडे को रखिए। स्टिक में से पनीर टिक्का को चाकू से या अपने हाथों से भी निकाल सकते हैं।
पनीर टिक्का कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। अब पनीर की ग्रेवी बनाते। मैं वही कढ़ाई यूज़ करी हूँ जिसमें मैं टमाटर की ग्रेवी बनाई। एक कप तेल ऐड करिए, गैस को लो फ्लेम पे रखिए। 3 लौंग ऐड करिए, 3 इलायची, दालचीनी का पीस 20 सेकेंड के लिए अच्छी तरीके से सौटे करिए। फिर उसी में चॉप सफ़ेद प्याज 1 टीस्पून, साबुत जीरा 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनिए। फिर उसी में 2 टमाटर प्यूरी ऐड करिए। मैं 200 ग्राम पनीर के लिए 5 टमाटर ली हूँ, 3 चॉप टमाटर और 2 टमाटर प्यूरी। तीन चॉप हरी मिर्च ऐड करिए। वन टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। टमाटर ग्रेवी का जो पेस्ट बनाया था वो कढ़ाई में ऐड करिए। 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनिए। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये स्पाइसी पनीर टिक्का मसाला है तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करिए। वन टीस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/2 मैरिनेशन मसाला जो बच गया था वो ग्रेवी में ऐड करिए। अच्छी तरीके से भुनिए। मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी को और टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ले रही हूँ। अपने हाथों से क्रश करिए। अब इसी में फ्राइड पनीर टिक्का ऐड करिए। हल्का सा मिक्स करिए। हाफ कप क्रीम ऐड करिए। गैस फ्लेम ऑफ कर दीजिए। माशाल्लाह खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। तो तैयार है फुल ऑफ फ्लेवर स्पाइसी पनीर टिक्का मसाला। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे पराठे या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।